अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख सकते हैं हम ऑफ रोडिंग कर रहे थे, हमारी गाड़ी फंस गई है। ये गाड़ी निकालने के लिए क्या क्या हरबे हो रहे हैं। पहले मोबाइल गुम हो गया था, जिशान साहब का मोबाइल तो मिल गया, बहुत खुश हैं वो, लेकिन इधर नई कहानी पड़ गई है। गेम हाँ, ये आप देख सकते हैं, अब गाड़ी का मैट टायर के लिए रखेंगे हम, ट्राई करते हैं कि निकलती है कि नहीं। ऑफ रोडिंग करते करते, बल्कि एक दफा हम घर जा चुके थे, लेकिन वापस आए मोबाइल ढूंढने के लिए, और ये हालत हो गई है हमारी कि आप देख सकते हैं। चले चले, नहीं हिल ही नहीं रहा टायर, डीप है तो कर, किस पे की है, थोड़ा सा पीछे करके आगे रिवर्स रिवर्स मार के। ना 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 ना, हिल ही नहीं रहा। असल में वो एक काम है, गाड़ी टायर नीचे चले गए और लोड भी इधर है आपका। मैं यही कह रहा हूँ थोड़ा उठा लो भाई, अभी हम ट्रैक्टर को लेने जाएंगे। हमारी जो गाड़ी फंस गई थी, अब हमारे कुछ दोस्त गए ट्रैक्टर लेने ताकि हमारी गाड़ी ये रोड से निकाल सके। तो बात कर रहे हैं, देखते हैं कि ट्रैक्टर वाले हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं। अभी हम ट्रैक्टर लेने आए हैं, भाई से रिक्वेस्ट की है, तो अभी इसकी हेल्प से हम अपनी गाड़ी निकालेंगे। आज एडवेंचर हो रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है रेत में। अब हम जा रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए। हम ट्रैक्टर को ले हैं लेकिन ट्रैक्टर खुद भी नहीं चल पा रहा कोई तरीके से। मैं अपने लिए रास्ता थोड़ा सा पक्का कर रहा ताकि ये भी ना फंस जाए। उसके बाद उसको टाई करेंगे और बेसिकली अपने लिए ग्रिप बना रहा। नीचे होता है इसका, ऐसा मोबाइल तुम्हारे पास ही है ना। साइड में टायर होने जोड़ दिया, ये चेन लगा दिए। ये सिंगल चेंज कर लो, वो छोटी वाली है। ट्राई कर रहे लगे हुए, जल्दी ये बाहर आ जाए क्योंकि हमने इस्लामाबाद भी वापस जाना है। ना जोर लगा, ना जोर लगाओ। उसकी गाड़ी उसको करनी है, तुझे क्या मसला है, तूने तो फिसा दी है।
बहुत ही मेहनत चल रही है, देख रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए। और ये हमारे एक लीजेंड है आतिफ साहब, ये उनकी वजह से हमें मसाइल दरपेश आए। जो वीडियो भी कर रहे हैं, खुद व्लॉग भी बना रहे हैं। इधर ही ग्रिप बना दे, बहुत दूर बैठक ना जाए। इधर लाओ ये, आप इस पे ना पाओ वाले, और फिर से जो फाइन हो जाएगा वो मेरे पता की है। एक मिनट, जिन्ना ट्रैक्टर जोर से दरमियान से पड़ेगा, सही पड़ेगा। थोड़ा सा गैप रख दो, अगर ये गाड़ी बीच में हिट ना हो जाए उसे। चले 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 चले, आराम आराम से लेके जाएंगे, ठीक है। लास्ट ट्राई हम कर रहे हैं और देखते अल्लाह। भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप हसनैन भाई? यार ठंड में ना मेरी लगी पड़ी है। बोल दे अलीपुर चट्टा में पैदाइश के वक्त से अभी तक ये सबसे बड़ा एडवेंचर है। हालत बहुत बुरी होगी है, लेकिन हौसले हमारे बुलंद है, हम इंशाल्लाह गाड़ी आज लेके जाएंगे यहाँ से। हमदा साहब गाड़ी निकलते ही आते तो बहुत इजी है, वीडियो बना रहा है। बस बेलचा भी आ गया, अब देखते हैं कि क्या होता है, इंशाल्लाह इस दफ़ा निकल जाएगा। यहाँ कोर्ट था और आप मुझे दरिया के बादशाह में ला के क्या हालत बना दी आपने उसकी। माशाल्लाह, जब आपके ऐसे दोस्त मौजूद हो ना तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोबारा हम खाई पाते चलो, 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 चलो
आगे रुक जाना, हम तो आगे रुक जाओ, संगल है। फाइनली हमारी गाड़ी बाहर निकल आई है, अब चलते हैं। ये देखें इतनी बड़ी जंजीर के साथ हमने ये गाड़ी निकाली है। Hello. ये हमजा भाई खींच रहे हैं इसको और दोनों काम हमारे हो गए। हमारा मोबाइल भी मिल गया, हमारा क्या जिशान का मोबाइल मिल गया, वो बड़ा खुश है। लेकिन इधर गाड़ी फंस गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी निकल गई है। अब चलते हैं घर की तरफ, हमने इस्लामाबाद भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी निकल गई है और अब हम जाएंगे पहले घर, वहाँ से मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा और फिर हमने इस्लामाबाद का सफ़र तय करना है। इधर से दरिया चनाब के किनारे से अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में।